नमस्कार दोस्तों, मैं कामनी स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। और अभी हम आपको लेकर आ चुके हैं कनॉट प्लेस और आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं। हमारे साथ एक ऐसे शख्स यहाँ पर मौजूद है जिन्होंने कुछ दिन तक भारत सरकार में अपनी सेवा प्रदान करी, उसके बाद चिकित्सक के रूप में जगतपुरी की जनता के प्रति सदैव जो है समर्पित रहते हैं। हमारे साथ ये शख्स जो जुड़े हुए हैं, ये बहुत जल्द एक बहुत बड़ा चेहरा हो सकते हैं आपके अपने लोकसभा क्षेत्र के। आइए इनसे बात करते हैं। सर, सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। जी, मेरा नाम पृथ्वीनाथ सिंह है और मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ। और आज की राजनीति को देखते हुए मैं अपना एक खुद को दृढ़ फैसला लिया हूं कि आने वाला 2024 में मैं पब्लिक के सेवा करने के लिए उनके अधीन बनकर उतरूं। और ये भी मैं देख रहा हूं कि कौन सा आदमी क्या कर रहा है, लालच दे देता है, पब्लिक से वोट ले लेता है, उसके बाद एक वहां के आम आदमी भी अगर उस मंत्री को जिसने उसने जिताया और उसे मिलने के लिए आता है तो उसके पीएसओ मिलने तक नहीं देता है, तो उसको जिताने से क्या मिलता है। हम तो इस पब्लिक को जागरूक ये करेंगे कि अगर कोई भी पार्टी आपके पास वोट मांगने आती है तो आपके पब्लिक जो है, कोई विधानसभा है, लोकसभा है, निगम पार्षद है, आप लोग आपस में क्यों नहीं तय करते हो कि हमारा गांव का ये लड़का लोकसभा लड़ेगा, ये बंदा विधानसभा लड़ेगा, ताकि वो आप लोगों के दुख को सुनेगा, दुख को समझेगा। जी मैम, सेठ जी आपने बोला 2024 में मैं चुनाव लड़ सकता हूँ, तो कौन सी पार्टी से मैं चुनाव लड़ूंगा? पार्टी से नहीं लड़ूंगा, मैं निर्दलीय लड़ूंगा। कौन से लोकसभा से लड़ूंगा? उत्तर पूर्वी दिल्ली। उत्तर पूर्वी दिल्ली से। वहाँ पर सिटिंग अगर हम भाजपा की बात करें तो वहाँ मनोज तिवारी जी है, अगर कांग्रेस की बात करें तो भी वहाँ पर एक शख्स है, आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो थोड़ी सी अपनी पहचान बनाने के लिए थोड़ा प्रयासरत कर रही है। ऐसे में लगता है आप इन तीनों बड़े चेहरों को, जो राजनीतिक दल है, तीनों बड़े राजनीतिक दलों को टक्कर दे पाएंगे? मैडम, बड़ा चेहरा कोई नहीं होता, बड़ा चेहरा पब्लिक बनाती है और वो पब्लिक उस वक्त देखेगी जब हमने देश को सेवा किया। हर पब्लिक के ऊपर मैंने अपना एक जीवन दान किया, हो सकता है कारगिल युद्ध में मैं गोली खा लेता। हर आदमी का एक बेटा, एक भतीजा, एक नाती, एक भाई आज के डेट पर सरहद पर है, देश को वो संभाल रखा है, ना कि ये मंत्री संभाल रखे हैं। वहाँ की पब्लिक तय करेगी कि हमको किसको जिताना है, किसको नहीं जिताना है। ये विचार कब, पृथ्वीनाथ सिंह जी, आपके मन में ये विचार कब आया कि अब तक मैंने देश की सेवा करी, अब जो है उसके बाद जनता की आप सेवा कर रहे थे अपने क्षेत्र के, ये विचार कब आया कि नहीं मुझे भी लगता है कि अब चुनाव लड़ना चाहिए और अपने क्षेत्र में अपने क्षेत्रवासियों की सेवा करनी चाहिए? मैडम जी, मैं तकरीबन आज 10 साल से हर पार्टी के मंत्री को जानता हूं, बीजेपी के मंत्री को जानता हूं, कांग्रेस के मंत्री को जानता हूं, आपके मंत्री को जानता हूं, लेकिन उनके दरवाजे पर जाओ किसी काम के लिए, किसी गरीब के लिए, तो वहां एक पीएसओ ऐसे होता है कि मंत्री से बड़ा वो पीएसओ बनता है अपने आप को, कि मैं ही बड़ा हूं, मैं जो कहूंगा वो करूंगा। इवन संजय सिंह के पास चले जाइए, केजरीवाल जब गली गली घूमते हैं, आज के डेट में अभी 2024 में है, जो मंत्री आज कैबिनेट मंत्री बैठा है, राज्य मंत्री बना हुआ है, सेंट्रल में बैठा है, आज 2-4 महीने के बाद वो गली गली घूमने लग जाएंगे, फिर पब्लिक को बेवकूफ बनाएंगे। मैं ये सोच लिया कि इनका सबका पर्दा मैंने फाश करना है और ये अपनी कामयाबी हासिल हमको पब्लिक देना चाहेगी, तो आएगी जब मैं देश का सेवा कर सकता हूँ तो मैं पब्लिक का सेवा करने के लिए सक्षम। लगता है हजारों की जनसंख्या है वहाँ पर, क्या लगता है प्रमुख समस्या? हजारों परिवार, लाखों की जनसंख्या है वहाँ पर, हजारों परिवार है वहाँ पर, लाखों की संख्या है वहाँ पर, क्या लगता है उनकी प्रमुख समस्या क्या है, क्या ऑब्जर्व किया है आपने? आज की डेट में मनीष तिवारी है, गौतम गंभीर है, नेता बन के आया है, सनी देओल को बीजेपी ने टिकट दिया, गौतम गंभीर को टिकट दिया, क्या गौतम गंभीर अपने मोहल्ला में गया कभी देखने? क्या मनोज तिवारी कभी देखना मोहल्ला में गया? क्या निरहुआ जीत के आया कभी गया? क्या रवि किशन जीत के आया गोरखपुर से कभी जाके देखे? क्यों नहीं देखे? इनका हक बनता है, जब ये पब्लिक उनको संसद बना के भेजती है तो उनको पता होना चाहिए ये कौन से घर में, हमारे कौन सा मोहल्ला में क्या प्रॉब्लम है, उसको मैं कैसे हल निकालूं। प्रत्यारोप ना लगाए सर, समस्या बताए अपने क्षेत्र की। समस्या हमारे क्षेत्र में क्या, हम जिस तरह उत्तर पूर्वी दिल्ली में जा रहा हूँ, उत्तर पूर्वी दिल्ली में ना रोड है, ना वहाँ बिजली की समस्या है, ना वहाँ पानी की समस्या, सारी समस्या ही तो समस्या है, ना कोई बुजुर्गों के लिए कोई वहाँ सेवा है, वहाँ गरीब कन्याओं को कोई सहायता नहीं है, हर तरह की बेरोजगारी है,
रोड, पानी, बिजली, हर तरह का मुश्किल है। क्या मुश्किल? यही सबसे बड़ी खासियत है हमारे भारत देश की, जो आबादी है उनकी। हम समस्याओं पे तो बड़े बड़े लेक्चर दे देते हैं लेकिन समाधान की बात नहीं करते। आपने सैकड़ों अपने समस्या अभी तक गिनवा दी लेकिन समाधान की बात नहीं करी। इसका समाधान किस प्रकार से संभव है? समाधान तो उसके लायक जो होता है उन्हें समाधान करता है। जब समाधान करना, आप आज हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, आप हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं, ये तो क्वेश्चन आप उस मंत्री को भी घेर कर सकती हैं ना कि आपने बड़े बड़े वादे करके इस लोकसभा से जीत कर आपने लोकसभा में क्या किया, उसे पूछिए आप भी, ये आपका भी हक बनता है पूछना। आपने क्यों नहीं पूछा? तो गलती तो आपकी है, जब उसको तो हाईलाइट आपने ही किया है ना, तो आज उसको पूछने का आपका हक बनता है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो है उसकी जनता आपको हमारे चैनल के माध्यम से देख रही है, चैनल के माध्यम से सुन रही है, आपकी बातों को समझ भी रही है, उनके लिए क्या संदेश और क्या अपील करना चाहेंगे कि 2024 का चुनाव जो है जगतपुरी क्षेत्र, यूं कहें उत्तर पूर्वी लोकसभा क्षेत्र, किस प्रकार से खास होने वाला है और आप पर विश्वास जताते हुए वो वोट करें? देखिए मैडम, मैं तो ये जानता हूँ कि उत्तर पूर्वी लोकसभा, जब मैं घर घर घूमूंगा, अभी तो मैं घर घर घूमा नहीं हूँ, मैं एक आजाद सैनिक हूं और 15 अगस्त से मेरा बिगुल फूकेगा, एक एक घर के पब्लिक को जगाऊंगा। अब वो लोग जानता है कि आज के युग में कोई ना समझ नहीं है, हर बुजुर्ग समझदार है, हर जवान समझदार है, हर लड़की समझदार है, हर बहू बेटी समझदार है। जब वहां जाऊंगा उनकी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूंगा, करने का कोशिश करूंगा, जितना होगा उतना मैं करके दिखाऊंगा और उनके नाम पर मैं खड़े उतरू। तो देखा आपने, ये थे भाई साहब पृथ्वीनाथ सिंह जी, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र को चुनाव का अखाड़ा ना बनाकर उनकी जो जनता है उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए मैं उतरूंगा। अब तक देश की सेवा की सेना में रहकर अब अपने क्षेत्रवासियों की जो है सेवा के लिए सदैव तत्पर और साथ ही साथ उन्होंने अपील भी की कि घर घर ये 15 अगस्त को एक जो है मैसेज पहुंचाएंगे, 15 अगस्त से घर घर तक लोगों को पहुंच के अपने मुहिम के प्रति जागरूक करेंगे। तो इस बार का चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है, लोकसभा चुनाव। इसी प्रकार की और जानकारी के साथ लिए हमारे साथ जुड़े रहेंगे। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।